श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कीड़े मकोड़ों के बारे में और उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। धरती पर कीड़ों की उत्पत्ति मनुष्य से पहले हुई मानी जाती है। पहले तो सभी कीड़े एक जैसे थे, मगर भिन्न हालातों में रहने के कारण की जो शारीरिक संरचना है उसमें थोड़ा सा अंतर आ गया। अनेक प्रजातियां अस्तित्व में आ गई। मौजूदा समय में लगभग 9 लाख किस्म के कीड़ों की खोज कर ली गई है। इनमें से जो प्रमुख है वो है मच्छर, मॉस्किटो, ढील, लाउज, लीच, जोंक, पतंगा, मेढक, मक्खी, पिस्सू, जुगनी, केचुआ, केकड़ा, झिंगूर, गोजर, तितली, खटमल, गुबरेला, मधुमक्खी, चीटी, ये सब प्रमुख हैं। ये धरती पर हर जगह पाए जाते हैं और हर जगह इनके भिन्न भिन्न प्रजातियां रहती हैं। हमारे पूर्वज भी कीड़े मकोड़े खाते थे। सन 203 में चीन के हुनई राज्य में एक कंकाल मिला था। यह कंकाल लगभग 5.5 करोड़ साल पहले का था। जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन कार्य किया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका वजन महज 20 से 30 ग्राम तक था और इसका कद केवल 7 सेंटीमीटर था। यह चौपाया जीव मेढक की तरह चलता था और इसकी मुख्य खुराक कीड़े ही थे। तो चलिए हम आपको कीड़ों के बारे में बताते हैं कुछ रोचक जानकारियां। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे मधुमक्खियों के बारे में। हमलावर मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में लगभग 80,000 मधुमक्खियां होती हैं। जब इन्हें छेड़ा जाता है तो इन पर कोई या उन पर कोई आपत्ति आती है तो ये बड़े झुंडों में इकट्ठी होकर हमला करने के लिए निकलती हैं। फिर है टेप वॉर्म्स एक प्रकार के कीड़े होते हैं जिनकी लंबाई 0.04 इंच से 50 फुट तक हो सकती है। उसके बाद है नर मधुमक्खी। सिर्फ रानी मधुमक्खी के साथ सहवास के अलावा अपने जीवन में और कुछ भी नहीं करता है। 1990 में तिजानिया एक कंट्री है, तिजानिया की लगभग 70% आबादी मलेरिया से प्रभावित हुई थी जो कि मच्छरों द्वारा फैलाया गया था। हर मच्छर के 47 दांत होते हैं, 47, मगर वो आपको अपने डंक से ही काटता है। ये मच्छर की खासियत के लिए या जो भी कह लीजिए। एक मधुमक्खी 1 पाउंड शहद बनाने के लिए लगभग 20 लाख फूलों का उपयोग करती है। इमेजिन कीजिए, 1 पाउंड के लिए 20 लाख फूलों का उपयोग। कई खोजों से पता चला है कि मच्छर उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्होंने अभी अभी केले खाए होते हैं। अगर आप केला खाओगे तो मच्छर आपकी तरफ आकर्षित होगी। चींटियां अपने से वजन जो उनका होता है उसे 30 गुना ज्यादा दबाव लगा सकती है और 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। चींटियों की खासियत होती है। ग्रामीण इलाकों के एक वर्ग मील के क्षेत्र में जितने कीड़े पाए जाते हैं उनकी गिनती धरती पर मौजूद सभी मनुष्यों से ज्यादा होती है। अमेरिका में सांपों, मकड़ियों और बिच्छियों से ज्यादा लोग घुमड़ियों द्वारा मारे जाते हैं। गिरगिट एक ही समय में अपने दोनों आंखों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकते हैं। ये गिरगिट की बात हुई। शहद का जो छत्ता होता है, शहद के छत्तों में केवल एक रानी मक्खी ही अंडे देती है। झिंगूर तापमान ठंडा या गर्म होने पर अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। कुछ लोग इनकी आवाज़ को सुनकर तापमान के ठंडे या गर्म होने का अंदाजा लगा लेते हैं आज भी जो गांव में है। मधुमक्खियों के लार्वे छत्ते के अंदर रहते हैं जो 6 तरफ से मोम का बना हुआ होता है। बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज नदियों के पास रहती हैं ताकि वो आसानी से मच्छरों और छोटी मक्खियों का शिकार कर सके। वैज्ञानिकों के पास घमूड़ियों, मधुमक्खियों और चींटियों की प्रजातियां के लगभग 1.5 लाख दस्तावेज हैं।
आप सोच सकते हैं कीड़े मकोड़ों पे लोग कितना रिसर्च करते होंगे। एक गिरगिट की जीभ उसके शरीर की कुल लंबाई से दुगनी लंबी होती है, जो गिरगिट जो होता है। एक मेढक बिना अपनी आंखें बंद किए कोई भी चीज निगल नहीं सकता। मेढक पानी नहीं पी सकते, वो अपनी चमड़ी के द्वारा ही पानी लेते हैं। पतंगे का खून सफेद रंग का होता है, जो तितली होती है ना, तितली टाइप के जो पतंगे जो उड़ते हैं, वो वाले पतंगे। तितलियों की बात करें तो तितलियों की लगभग 1 लाख प्रजातियां होती हैं। एक ड्रैगन फ्लाई, एक प्रकार की जो मक्खी होती है, एक ड्रैगन फ्लाई का जीवन काल बस सिर्फ 24 घंटों तक का रहता है। एक बंबर मक्खी 1 सेकंड में 160 बार अपनी पंख हिला सकती है। इमेजिन कीजिए, टक 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 160 बार हिला सकती है। संसार की 80% खाद्य फसलों के परागकण कीड़ों द्वारा झाड़े जाते हैं। पिस्सू अपनी चाल अंतरिक्ष यानों से 50 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं। पिस्सू, ये उनकी खासियत रहती है। उसके बाद बताते हैं हम आपको, बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं वो मैंने आपको शायद बताया है, नदियों पास रहती हैं, और ताकि वो मच्छरों को आसानी से खा सके। सबसे बड़ी चींटियां ब्राजील में पाई जाती है, पर फिर भी इनकी लंबाई 6 मिलीमीटर ही होती है। तबानुस मक्खियों की एक प्रजाति है जिसके उड़ने की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। बीटल्स जो भृंग होते हैं, बीटल्स 3,50,000 प्रजातियां के साथ कीड़ों का सबसे बड़े मेंबर है। अगर धरती पर मौजूद सभी कीड़ों को सारे मनुष्यों में बराबर बांटा जाए तो हर एक के हिस्से में 20 करोड़ से ज्यादा कीड़े आएंगे। मतलब मेरे हिस्से में 20 करोड़ कीड़े आएंगे, आपके हिस्से में 20 करोड़ आएंगे, हर आदमी के हिस्से में 20 करोड़ कीड़े आएंगे। इतने ज्यादा कीड़े हैं पूरे धरती पर। आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों द्वारा तय की गई दूरी धरती के 2 बार चक्कर लगाने जितनी होती है। इतनी मेहनत करते हैं मधुमक्खी, सोचिए। मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियां में से केवल 4 प्रजातियां ही हैं जो शहद बनाने का काम करती है। कुछ तितलियां चलने के बजाय अपने अगले पैरों का उपयोग अपनी आंखें साफ करने के लिए करती है। आप बचपन में देखते तितली पकड़ते हो, तितली ऐसे ऐसे करके अपनी आंखों को करती है। हम उन तितलियों की बात कर रहे हैं। हर साल कीड़े धरती की 33% खाद्य फसल खा जाते हैं। हमारे बालों में जुएं रहती हैं, बहुत लोग ढील कहते हैं उसको बिहार यूपी में। तो हमारे बालों में जो जुएं रहती हैं उनका रंग वही होता है जो हमारे बालों का होता है। दक्षिणी अमेरिका के माइडस मक्खी को दुनिया का सबसे बड़ा मक्खी माना जाता है। ड्रैगन फ्लाइज की एक आंख में तकरीबन 30,000 लेंस होते हैं। मच्छर खट्टे नींबुओं से दूर रहते हैं क्योंकि इनसे उनके पैरों में जलन होने लगती है। एक दीमकों के छत्ते की रानी, दीमक जो होते हैं, दीमकों के छत्ते की रानी हर रोज 6 से 7 हजार तक अंडे देती है और 15 से 30 साल तक जीती है। कोई कोई 15 से 50 साल तक जीती है। आपने टिड्डी देखा हुआ, झिंगूर, एक झिंगूर सिर्फ लात मार के खून चूस सकती है। चींटियां कभी नहीं सोती है, इकलौती प्राणी जो सोती नहीं है वह चींटियां। मधुमक्खी के कान नहीं होते हैं, इसकी कमी को उसके शक्तिशाली एंटीना स्पर्श से पूरा करते हैं। बिच्छू की लगभग 2,000 जातियां होती है जो न्यूजीलैंड व अंटार्कटिक को छोड़कर विश्व के सभी भागों में पाई जाती है। बिच्छू, बिच्छू नहीं मिलता है न्यूजीलैंड और अंटार्कटिक में। अब तक कॉकरोच को सबसे पुराना मिला पथराट 28 करोड़ साल पुराना मिला है। घरेलू चींटियां 7 साल तक और रानी चींटी 15 साल तक जीती है। तो ये हमने आपको कीड़े मकोड़ों के बारे में बताया। अब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको सारी जानकारी बहुत अच्छी लगती है तो आप हमारे जो वीडियोस हैं आप उसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर जब आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, यार मैंने अपना काम पूरा किया, ऐसा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। क्योंकि शेयर तो दिखता है कितने सारे शेयर किए गए हैं, लाइक्स देखकर भी हमें खुशी होती है। और अगर आपको कुछ नई जानकारी चाहिए, कुछ चीज़ें पूछनी है,
तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स के नीचे आप अपना, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए।